सिटी आ रहा सिटी 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 सीधा रख सीधा और टाली मुंडी लाल और टाली और निकली सीधा 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 हमने तो सीधा टाला लाइन है राजेश जी का नाम रहेगा राजेश जी का नाम रहेगा अमर रहे 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 जब तक सूरज चांद रहेगा राजेश जी का नाम रहेगा आप लोग देख रहे हैं जम्मू परिवर्तन में हूँ आपके साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर सीधी तस्वीर सुरगत की कच्छ छोड़नी से यहाँ पर जिस तरह से कल आप सब जानते हैं कि बीजेपी के एक्स एमएलए राजेश गुप्ता जी की जो है वो डेथ हो गई थी और आज उनके हम अंतिम दर्शन जो है वो हम आपको करवाने जा रहे हैं कि आज बीजेपी दफ्तर से होते हुए राजेश गुप्ता जी की बात करें तो वो एक ऐसे लीडर थे जिन्होंने हमेशा लोगों के मुश्किलात को सरकार तक पहुंचाया और हमेशा लोगों की खिदमत की। लेकिन आज बहुत ही दुखद के साथ ये कहना पड़ रहा है कि राजेश गुप्ता जी अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। अंतिम दर्शन हम आपको जम्मू परिवर्तन के जरिए से करवा रहे हैं। माँ भारती के लाल श्री राजेश गुप्ता जी अमर रहे अमर रहे अमर रहे जम्मू के लाल श्री राजेश गुप्ता जी अमर रहे अमर रहे अमर रहे विकास पुरुष श्री राजेश गुप्ता जी अमर रहे अमर रहे अमर रहे इस शहर के नेता श्री राजेश गुप्ता जी अमर रहे अमर रहे अमर रहे इन गलियों के नेता श्री राजेश देख सकते हैं कि आज पूरे जम्मू के लोगों की आंखें नमन हो चुकी हैं। अंतिम दर्शन हम आपको इस वक्त राजेश गुप्ता जी के करवा रहे हैं और कच्चे चोने से होते हुए भारती के लाल श्री राजेश गुप्ता जी अमर रहे अमर रहे अमर रहे माँ भारती के लाल श्री राजेश गुप्ता जी अमर रहे अमर रहे अमर रहे ये आप देख सकते हैं कि काफी ज्यादा तादाद में बीजेपी के एक्स एमएलए राजेश गुप्ता जी आज हमारे बीच नहीं रहे और आज अंतिम दर्शन आज जम्मू शहर से राजेश गुप्ता जी की अंतिम शव यात्रा जो हो यहाँ से निकाली जा रही है और काफ़ी लोग जो हो इनके साथ यहाँ मौजूद हैं। इस शव यात्रा में कई सारे राजेश गुप्ता जी के जो चाहने वाले हैं जहाँ जिस तरह से काम किए थे उन्होंने आज काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो इस अंतिम शव यात्रा में यहाँ पर शामिल हैं और इस वक्त ये यात्रा अंतिम यात्रा जो है वो परेड में पहुँच चुकी है। अगर आप लोग भी अंतिम दर्शन करने के लिए नहीं पहुंच पाए हैं
तो कमेंट करके श्रद्धांजलि जो है राजेश गुप्ता जी को जरूर दें। भारत माता की, भारत माता की, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। बीजेपी के एक्स एमएलए राजेश गुप्ता जी, बीजेपी के एक्स एमएलए राजेश गुप्ता जी कल उनकी अचानक तबीयत खराब होती है और इसके बाद जीएमसी जम्मू में उन्होंने अपनी आखिरी सांसें जो है वो ली हैं और आज आप देख सकते हैं, देख सकते हैं कि आज अमर रहे, अमर रहे राजेश गुप्ता, अमर रहे। एक बहुत बड़ा झटका जम्मू के लोगों को लगा है। कई सारे लोग इस अंतिम शव यात्रा में यहां पर लोग जो है वो शामिल हो रहे हैं। यहाँ पे कई सारे लोग इस अंतिम शव यात्रा में शामिल हुए हैं। सर क्या कहना चाहेंगे, कितना बड़ा झटका जो है जम्मू के लोगों को? ये जम्मू के लोगों को बहुत ही बड़ा झटका है, क्योंकि ये हमारे मित्र नहीं, हमारे बड़े छोटे भाई थे और हम इनके साथ 2010 से साथ में चल रहे हैं, साथ में इनके साथ चल रहे हैं। जो दुख सुख था, जो कोई गरीब हो, चाहे किसी किस्म का भी कोई इंसान हो, हमेशा उनकी मदद के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। ऐसे नेता जम्मू कश्मीर में कभी नहीं मिलेंगे। ये ग्रास रूट के नेता थे, ऐसे सोचा नहीं था कि ऐसा वक्त ऐसा बताने से जैसा ये हो गया। कितना मुश्किल है इस समय? बहुत मुश्किल है, इनकी जगह पूर्ण करना बहुत ही मुश्किल है। ऐसे बहुत लोकप्रिय नेता थे, इन जैसा नेता हमने आज तक देखा नहीं। ये भी विकास पुरुष थे, जैसे पंडित प्रेमनाथ जी डोगरा, उनके बाद हमने उनमें ये छवि इनमें देखी थी और पंडित प्रेमनाथ जी की डोगरा की तर्ज पर यही चलते थे। आज तक हमने ऐसा कोई नेता नहीं देखा कि जिस तरह से ये गरीबों के बीच में, अगर कोई सुबह 5 बजे फोन करता है, उनको घर में 5 बजे बुला लेते थे और उनका जो भी निवारण होता था वो करते थे, कभी पीछे नहीं रहते थे। मैं कई बार बोलता था जी जी इतनी फिक्र आपको, वो कहने लगे मैं भी एक ग्रास रूट का आदमी हूँ और मैंने हमेशा सेवा की है बचपन से लेके, और आज भी वो यही सोच लेके आगे बढ़ रहे थे, पर किस्मत के आगे नहीं चला कुछ। और अपनी देख सकते हैं कि इस वक्त अंतिम शव यात्रा जो है वो निकाली जा रही है। राजेश गुप्ता जी जो कि बीजेपी के एक्स एमएलए थे और जम्मू के लोगों का आपने सुना कि उनका क्या कुछ कहना है, कि एक बहुत बड़ा झटका इस वक्त जम्मू को लगा है। इससे पहले प्रोफेसर भीम सिंह जी एक बहुत बड़ा चेहरा थे, उनकी डेथ हुई और अब बीजेपी के एक्स एमएलए राजेश गुप्ता जी जो हैं वो इस दुनिया में नहीं रहे हैं। आज उनकी अंतिम शव यात्रा जो है वो जम्मू की कचुशौनी से बीजेपी हेडक्वार्टर से निकलती हुई, बीजेपी ऑफिस से निकलती हुई पुरानी मंडी में पहुंची है और काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो इस अंतिम शव यात्रा में शामिल हो रहे हैं। अगर आप लोग किसी वजह से इस अंतिम शव यात्रा में शामिल नहीं हो पाए हैं तो हम यही कहेंगे कि आप कमेंट करके ज़रूर श्रद्धांजलि जो है वो राजेश गुप्ता जी को दीजिएगा और भगवान से प्रार्थना कीजिएगा कि राजेश गुप्ता जी की आत्मा को शांति मिले। राजेश गुप्ता जी बीजेपी से जम्मू ईस्ट से जो है वो एमएलए भी रह चुके हैं और लोगों की खिदमत करने में हमेशा जो है वो आगे रहते थे। चाहे किसी को भी कोई किस तरह की ज़रूरत पड़ी होगी तो राजेश गुप्ता जी एक ऐसा चेहरा थे जिन्होंने हमेशा लोगों की सेवा करना जो है वो प्रायोरिटी पे रखा। लेकिन आज काफ़ी दुखद समाचार आप लोगों तक पहुंचाना पड़ रहा है और पूरे जम्मू की आंखें जो है वो इस वक्त नमन हो चुकी हैं। एक ऐसा चेहरा जिसने हमेशा लोगों की आवाज़ उठाई, जिसने हमेशा, चाहे पानी की समस्या होगी, चाहे बिजली की समस्या होगी, चाहे फिर
सड़क की हालत ख़राब हो गई, ऐसे कई सारे जो छोटे छोटे मसले या फिर बड़े मसले होते थे लोगों के लिए हमेशा जो हुआ आगे रहते थे। लेकिन आज बड़ा ही दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि कल जिस तरह से काफ़ी लंबे समय से राजेश गुप्ता जी बीमार चल रहे थे और कल आखिरी सांसें उन्होंने GMC जम्मू में ली हैं। देख सकते हैं कि पुरानी मंडी से इस वक्त ये लगातार छवि यात्रा निकालते हुए और फिलहाल आप देख सकते हैं कि पुरानी मंडी से इस वक्त राजेश गुप्ता जी की अंतिम छवि यात्रा जो है वो निकाली जा रही है और इस वक्त जम्मू के हर एक शख्स की आंखें जो है वो नमन हो चुकी हैं कि एक इतना बड़ा चेहरा जो कि आज पूरे जम्मू के लोगों के बीच नहीं रहा। इस वक्त पुरानी मंडी ते ये शव यात्रा निकाली जा रही है और लोग देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इस शव यात्रा में मौजूद हैं। ये राजेश गुप्ता जी की तस्वीर है जो हम आपको मेरे साथ ही आपको जूम करके दिखा रहे हैं, लेकिन आज काफ़ी दुख हो रहा है आप लोगों तक ये खबर पहुँचाते हुए। राजेश गुप्ता जी अब जम्मू के लोगों के बीच नहीं रहे हैं। इस वक्त पुरानी मंडी की ये तस्वीरें हैं, यहाँ पर ये शव यात्रा निकाली जा रही है और काफ़ी ज़्यादा तादाद में जो भी लोग राजेश गुप्ता जी को चाहते थे वो यहाँ पर मौजूद हैं। जो भी लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं उनसे हम यही कहेंगे कि आप किसी वजह से यहाँ पर इस अंतिम शव यात्रा में शामिल नहीं हो पाए हैं तो कमेंट करके ज़रूर जो है वो इनको श्रद्धांजलि दीजिएगा और भगवान से प्रार्थना कीजिएगा कि राजेश गुप्ता जी की आत्मा को शांति मिले। राजेश गुप्ता जी जम्मू ईस्ट से BJP के जो है MLA रह चुके हैं। तो देख सकते हैं कि फिलहाल BJP के XML राजेश गुप्ता जी की अंतिम शव यात्रा जो है वो इस वक्त पुरानी मंडी में पहुंच चुकी है और यहां पर सभी लोगों की इस वक्त आंखें जो है वो नमन हो चुकी हैं क्योंकि जम्मू को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। इससे पहले प्रोफेसर भीम सिंह जी की डेथ हुई और उससे भी काफ़ी नुकसान हुआ, लेकिन एक और झटका जो है वो राजेश गुप्ता जी की डेथ के बाद जम्मू को लगा है और काफ़ी ज़्यादा जने की हमेशा लोगों की खिदमत करने में मसरूफ़ रहते थे। तो फिलहाल इस वक्त इनकी अंतिम शव यात्रा जो है वो यहाँ पर निकाली जा रही है। फिलहाल आप लोग देखते रहिए जम्मू परिवर्तन, मुझे मेरे साथी अभिषेक को दीजिए इजाज़त।